Ram, you have a massive fan following on social media as well. Massive. जी I was just looking at the engagement and the kind of जी things people write, comments, वगैरह वगैरह. मैंने नोटिस किया बहुत सारे यंग पॉपुलेशन जो है ना, दैट कनेक्ट्स विद योर लॉट. वो है जो आर्मी और फैन बेस जो होता है वो. Who will pick fights on Twitter if somebody says anything against you? Who will make everything goes popular and all of that? So, what do you Yeah. think is your point of connect with people of your age or people of maybe younger age? They connect so much with you. When we are growing up, we look up to people and we like things about people without any. हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हम फिर थोड़े थोड़े से खराब होने लगते हैं. हम तो मुझे लगता है जब आप यंग होते हैं तो आपके अंदर बहुत एक इनोसेंस होती है. अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं तो वो बहुत इनोसेंटली आप प्यार करते हैं और पूरी हद से प्यार करते हैं. सो आई थिंक दैट्स द लव दैट आई गेट फ्रॉम द यंगर किड्स. दे लाइक माई म्यूजिक, दे लाइक मी एंड दे लव मी सो मच. और इसलिए वो फुल ऐसे दुनिया से लड़ जाते हैं मेरे लिए एंड दे डू एवरीथिंग फॉर मी. सो आई थिंक दैट्स द प्योरिटी ऑफ द लव दे हैव. जैसे व्हेन आई वाज आल्सो ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू लाइक लॉट ऑफ आर्टिस्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता था. लॉट ऑफ आर्टिस्ट आई मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके कॉन्सर्ट में जाता था. अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, मोहित चौहान. सो आई रिमेम्बर द पैशन. वंस देन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड मेकिंग माई म्यूजिक और बहुत सारी चीजें मेरे लिए होने लगी. सो दैट्स द चेंज वी गो थ्रू. बट आई थिंक दैट्स राइट नाउ आई एम गेटिंग दैट प्योरिटी ऑफ लव फ्रॉम ऑल द फैंस.